असेसमेंट का मतलब होता है आकलन करना होता है, बट है ना, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, और इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन होता है। तो सबसे पहले एक शॉर्ट तरीके में ऐसे समझे कि असेसमेंट जो होता है ना, जब हम किसी चीज़ का जो है ऑब्जर्वेशन, जब हम किसी चीज़ का जो है ना, जब हम किसी चीज़ को जो है शॉर्ट टाइम के लिए आंकने का प्रयास करते हैं कि आखिर में किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है ना, तब उसको कहते हैं हम लोग जो है असेसमेंट कहते हैं। लेकिन जब उसी चीज़ को जो है कि डेवलपमेंट मेरा किस प्रकार का हुआ है वो लॉन्ग टाइम के लिए जो हम लोग देखते हैं तो होता है, उसको कहते हैं हम लोग जो है एवोल्यूशन कहते हैं ग्रेजुएट, है ना। ध्यान रखिएगा, जब किसी बच्चे का जो है डेवलपमेंट को चेक किया जाता है, विकास को चेक किया जाता है, तो असेसमेंट का सहारा जो है हमेशा लिया जाता है ना। यानी जिस टाइम समय से बच्चा आपका जो है पढ़ना स्टार्ट किया उसी टाइम से आपका असेसमेंट आपका स्टार्ट हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इवोल्यूशन हमेशा आपका जो है साल में जो है ना एक बार होता है, 6 महीने पर एक बार होता है। यानी असेसमेंट आपका जो है शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है, बट आपका इवोल्यूशन आपका जो है लॉन्ग टाइम पे होता है। आपका जो है एक प्रकार का मूल्यांकन है, आकलन है। किस चीज़ का मूल्यांकन आकलन? तो बच्चे का डेवलपमेंट का, बच्चे ने कितना जो है प्रोग्रेस किया आपका जो है ना, बच्चे ने कितने ज्ञान का अर्जन किया, बच्चे को कहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, सिलेबस किस प्रकार का जो है, सिलेबस का किस प्रकार का जो है कह सकते हैं कि जो है डेवलपमेंट हो रहा है, सिलेबस किस प्रकार के आगे बढ़ी। यानी कहने का अर्थ हो गया कि मोटा मोटे अगर देखा जाए तो एक स्कूल के अंदर जो है जो जितनी भी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, उसके थ्रू जो है बच्चों में किस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी सारी कंटेंट है, सिलेबस है ना, लर्निंग है, वो किस प्रकार से जो है ना डेवलपमेंट किया है, उसी को हम दो प्रकार से क्या करते हैं उसका है ना मापन करते हैं। तो बच्चों में डेवलपमेंट को मापने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक उसका असेसमेंट कर सकते हैं और एक उसका जो है एवोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि आखिर में जो है ना असेसमेंट होता क्या है। ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट्स आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है ना, और बड़ा ही जो है शानदार तरीके से मैंने लिखा है। देखिए, कहा कि जो है आकलन जो है संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी अगर कोई बच्चा आपका जो है 5 में गया है ना, तो 5 में जब बच्चा 5 में पढ़ना स्टार्ट किया आपका जो है, तो आकलन आपका जो है उसके क्लास के स्टार्टिंग होने से ही आपका जो है लगातार क्या होती चलते रहती है आपका जो है ना। जिस दिन से बच्चा आपका जो उस क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया है ना, उसका असेसमेंट उसी दिन से होना स्टार्ट हो गया आपका जो है ना। कि आखिर में मान लिया आपका आपने जो है फर्स्ट लेसन पढ़ाया है ना, तो आप उसी टाइम से उसका आकलन करना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चे ने हमारा जो है कितना जो है नॉलेज को जो है गेन किया, कितना उसका डेवलपमेंट हुआ आपका जो है, ठीक है। तो असेसमेंट जो होता है, जो आकलन जो होता है, हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहता है। यानी ये कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रक्रिया आपका जो है ना। दूसरा कह रहा है कि जो आकलन शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, आकलन जो है टीचिंग का हिस्सा है ना, आकलन जो है टीचिंग का हिस्सा है। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात आपका जो है ना, अगर पूछेगा कि जो है आकलन किसका हिस्सा है, तो आकलन टीचिंग शिक्षण शास्त्र का हिस्सा आपका जो है। यानी जब आप क्लास में टीचिंग करवाते हैं है ना, तो बच्चों को किस प्रकार का जो है मापन करते हैं, तो वहाँ पे बच्चों का आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि बच्चों में किस प्रकार के डेवलपमेंट हुई आपका जो है। अरे जो पढ़ने के साथ साथ क्या होता चलते रहते हैं, यानी आप पढ़ाते जाते हैं है ना, बच्चे को पढ़ाते जाते हैं और साथ में आकलन भी करते जाते हैं कि बच्चे में हमारा किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है आपका जो है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब आकलन आपका जो है पढ़ने पढ़ाने के साथ चलते रहता है, तो सिंपल आपका ये कैसा असेसमेंट हो जाएगा, ये फॉर्मेटिव हो जाएगा है ना। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे मापन भी दो प्रकार का होता है। एक हम लोग जो है देखते होंगे जो है स्कूल में जो है, एक हम लोग लेते हैं FA लेते हैं है ना। ध्यान रखिएगा, आकलन दो प्रकार का होता है, एक आपका फॉर्मेटिव होता है और एक आपका समेटिव आपका होता है ना। हम स्कूल में दो प्रकार का परीक्षा लेते हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं और एक आपका जो है समेटिव असेसमेंट करते हैं। एक एग्ज़ाम FA का होता है, दूसरा एग्ज़ाम SA का होता है, शॉर्ट टाइम में होता है आपका जो है ना। तो आकलन आपका एक संक्षिप्त प्रक्रिया, संक्षिप्त मैंने छोटा प्रक्रिया आपका जो है ना। कि जो है नई शिक्षा नीति आपका जो है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी आपका जो है 2020 वाली जो है, इसके अनुसार जो है जो लर्निंग है
जो अधिगम है, अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग और अधिगम में आकलन यानी असेसमेंट इन लर्निंग का भी उपयोग किया जाता आपका जो है। अब देखिए यही सबसे क्वेश्चन आपका बढ़ना स्टार्ट हो रहा है पहले कि आखिर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार के जो है लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है अधिगम के रूप में आकलन इसका प्रयोग किया जाता है और अधिगम में आकलन आपका जो है इसका प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार का जो है किया जाता है आपका जो है ना, अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना बच्चों का, उसका गृह कार्य देना, क्लास टेस्ट देना, किसी प्रकार का कार्य करवाना, ये आकलन का हिस्सा हो गया है ना। क्योंकि ये सब क्या होता है, ये सब क्लास में कंटिन्यूस चलता रहता है, क्लास वर्क देना, होमवर्क देना है ना, क्लास टेस्ट ले लेना जो है, ओरल टेस्ट लेना आपका जो है, ये सब क्लास में कंटिन्यूस चल, यानी क्लास में जो भी प्रक्रियाएँ कंटिन्यूस चलते रहती है किसके लिए, बच्चे के प्रोग्रेस को टेस्ट करने के लिए, वही हमारा क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आकलन जो होता है आपका जो है चार प्रकार का होता है। आप चार प्रकार से जो है बच्चों का जो है प्रोग्रेस को आप माप सकते हैं। पहला होता है अधिगम के लिए आकलन आपका जो है, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया आपका, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब देखिए इसमें ध्यान रखेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी को मापना आपका जो है। जब आप बच्चों की क्रिएटिविटी को मापते हैं, उसकी रचनात्मकता को मापते हैं कि बच्चा कितना क्रिएटिव हमारा है ना, तब हम उसको कहते हैं आपका जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना। अब देखिए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम बच्चों को किस चीज़ को मापते हैं, तो उसके बच्चों को हम लोग जो है रचनात्मक आकलन को मापते हैं आपका जो है ना। दूसरा हमारा जो लर्निंग सॉरी जो असेसमेंट आपका है वो अधिगम का आकलन आपका है ना, यानी असेसमेंट ऑफ, ध्यान रखिए एक एक वर्ड का अंतर है। पहला था हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा हमारा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ना, यानी असेसमेंट एक वर्ड का फ़र्क है, फोर का ऑफ का है और एज का, कह सकते हैं कि बच्चों का ओवरऑल है ना जो भी उसका है, यानी कहने का अर्थ हो गया कि जो है बच्चा ने कितना जो है सारे सब्जेक्ट में जो है नॉलेज को गेन किया, किस प्रकार से पढ़ा, उसका किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है ना, उसकी जो है कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या इसका डेवलपमेंट आपका जो है ना, तो कह सकते हैं एजुकेशनल वर्क में आपका किस प्रकार का डेवलपमेंट आपका, यानी कहने का तो क्या कि बच्चों का ओवरऑल है ना, इसमें बच्चों का ओवरऑल चीज़ों को जोड़ करके जो है क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है ना। तो जहाँ पे बच्चों का ओवरऑल चीज़ों को जोड़ करके जो है आकलन किया जाता है उसको कहा जाता है अधिगम का आकलन, इसमें योगात्मक आकलन होता है आपका। और तीसरा हमारा जो है अधिगम के रूप में आकलन, ये आपका प्रमाणिक आकलन है, यानी बच्चे का एक्चुअल है ना, बच्चे का जो है कह सकते हैं एक्चुअल जो आपका जो डेवलपमेंट है उसको हम जो है अधिगम के रूप में आकलन करते हैं आपका जो है प्रमाणिक आपका जो है जो साइंटिफिक आपका जो है ना। और सबसे लास्ट हमारा जो है निदानात्मक आकलन, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका, जिसको कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट आपका जो है ना, यानी कि हम कहने का अर्थ हो गया कि आपने बच्चों में क्या किया, मापन कर लिया कि आखिर में किस प्रकार का आपका जो है इसमें डेवलपमेंट हुई है, आपको पता चल गया कि कमजोरी कहाँ पे है, कहाँ पे बच्चा हमारा जो है वीक है, कहाँ पे बच्चा हमारा स्ट्रांग है। जब ये पता चल गया कि जो है 40 में से जो है 10 बच्चा हमारा जो है कमज़ोर है, उसमें किस प्रकार की कमजोरी है, अब हम उसको क्या करेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे आपका जो है ना, यानी उसकी कमजोरी को पकड़ेंगे आपका जो है ना। और कमजोरी को पकड़ना ही कहलाता है क्या, है ना, डायग्नोस्टिक सिस्टम कहलाता है आपका जो है, ठीक है। आपका जो हमने कहा था कि जो है आकलन जो होता है आपका जो है वो फॉर्मेटिव होता है, लेकिन आपका जो है मूल्यांकन जो होता है वो समेटिव होता है आपका जो है ना। फॉर्मेटिव समेटिव का मतलब हो गया कि जो आपका शॉर्ट टर्म के लिए किया जाएगा उसको फॉर्मेटिव कहेंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाएगा उसको कहेंगे समेटिव कहेंगे, है ना। जिसमें जो है बच्चों की जो है कह सकते हैं टीचिंग बेस्ड आपका जो है ना, शिक्षण प्रक्रिया बेस्ड आपका चीज़ों का जो है आकलन किया जाएगा उसको कहेंगे हम लोग जो है आकलन कहेंगे, असेसमेंट कहेंगे। लेकिन कहने का अर्थ क्या, जिसमें हम ओवरऑल चीज़ों को जो है इंक्लूड करेंगे, मापन करेंगे जो है ना, तो उसमें हम लोग उसको कहेंगे जो है इवैल्यूएशन कहेंगे आपका जो है, ठीक है। तो ये 2-4-5 चीज़ें जो है ध्यान रखना आपका जो है ना। और ये भी याद रखना कि जो आकलन जो होता है ना, वो आपका जो है टीचिंग बेस्ड होता है आपका जो है। आकलन क्या होता है, टीचिंग बेस्ड होता है, लेकिन मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है, चूँकि आपका लॉन्ग टाइम पे होता है, ये कह सकते हैं कि जो है 6 माह या फिर जो है 1 साल के बाद होता है आपका जो है, इसलिए इसको जो है ना रिजल्ट ओरिएंटेड भी कहा जाता है ना।
अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि जो है कि कौन सी प्रक्रिया को जो है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रक्रिया जो है ना, यानी परिणाम केंद्रित प्रक्रिया कहा जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं मूल्यांकन को कहते हैं आपका जो, यानी मूल्यांकन जो होता है वो होता है आपका जो है रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई क्लास टेन का बच्चा है ना, तो उसको शुरू से जो मैंने पढ़ाया, तो अगर शुरू से जो हमने उसको पढ़ाया, मान लिया आपका जो है मार्च से आपका क्लास उसका स्टार्ट हुआ, तो मार्च से उसका जो है असेसमेंट होगा आपका जो है, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे उसका असेसमेंट करते जाएंगे उसमें किस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है, फिर छः महीने का एक टेस्ट लेंगे, या फिर कह सकते हैं 3 महीने का जो टेस्ट होगा उसमें भी हम लोग असेसमेंट ही करते हैं, है ना। उसमें असेसमेंट ये किया जाता है कि आखिर बच्चों ने कितना हमारा जो है अचीव किया आपका जो है, टीचर ने कितना जो है सिलेबस को जो है ना फॉरवर्डेड किया आपका जो, किस प्रकार से आगे बढ़ाया आपका जो, तो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं है ना हम लोग जो है ध्यान में रखते हैं आपका जो है। लेकिन जो 6 महीने पर होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो है बच्चे का जो है वास्तव में जो है स्पेसिफिक है ना रिजल्ट देखा जाता है कि बच्चों ने कितना रिजल्ट लाया आपका जो है, कितना आपका जो है बच्चों ने जो गेन किया आपका जो स्कूल से आपका जो, इसलिए जो है फिर हम लोग जो है फिर 9वें मंथ में लेते हैं एक फॉर्मेटिव, फिर लेते हैं आपका जो है 3 महीने के लिए, तो फिर हम जो है 3 महीने के लिए असेस उसको जो है असेसमेंट करते हैं आपका, आकलन करते हैं। और फिर जब हम लोग जो है जब 12 महीने की जो एग्जामिनेशन लेते हैं, जो 1 साल का जो एग्जामिनेशन होता है, फाइनल एग्जामिनेशन होता है किसी क्लास का जो है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं उसका रिजल्ट देखते हैं कि आखिर बच्चे में क्लास 10 में जो है कितना रिजल्ट लाया आपका जो है। इसलिए एवलुएशन जो होता है रिजल्ट ओरिएंटेड आपका होता है आपका जो है ना। और ध्यान रखिएगा कि जो है पाठ्यक्रम की शुरुआत से जो चेकिंग होती है वो असेसमेंट का होता है, लेकिन पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद आपका जो है जो विद्यार्थियों का जो है उपलब्धि चेक किया जाता है वो आपका इवेल्युएशन का होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा ये सब सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं है ना। मूल्यांकन आपका व्यापक होता है, लेकिन आपका जो इवेल्युएशन जो होता है आपका जो समेटिव होता है, व्यापक होता है, बड़े तौर पर होता है, लेकिन बताया था कि आकलन जो होता है आपका वो संक्षिप्त होता है आपका, यानी फॉर्मेटिव आपका होता है ना। और याद रखिए मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब होता है मापन प्लस मूल्य का निर्धारण आपका जो है ना, मापन प्लस मूल्य का निर्धारण आपका, यानी कहने का मतलब कि आपने जो बच्चों को क्या किया, बच्चे में जो है डेवलपमेंट को जो है क्या किया, मेजर कर लिया कि आखिर में अलग अलग फील्ड का सहारा लेकर के जो है आखिर में उसमें क्रिएटिविटी में कितना आपका जो डेवलपमेंट हुआ, या फिर उसका लर्निंग में कितना हुआ, अलग अलग चीज़ों का पैमाना लेकर के फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ, तो हर चीज़ को क्या किया आपने माप लिया, माप करके क्या किया उसमें आपने एक मूल्य का निर्धारण कर दिया। जैसे मान लिया आपके जो है एग्जाम्पल के लिए जो है कि एक बच्चे को आपने देखा कि ये बच्चा आपका जो है गेम में बहुत अच्छा आपका जो है ना, एक बच्चा गेम में बहुत अच्छा आपका, तो गेम को आपने क्या किया एक बार से आपने उसका मापन कर लिया कि गेम इसका बहुत अच्छा है, और गेम को मापन करके क्या किया उसको आपने क्या किया एक ग्रेड दे दिया कि भाई ये गेम में आपका जो है ए ग्रेड आपका है। तो यही हो गया आपका कि आपने पहले मापन किया कि भाई ये बच्चा आपका जो गुड है आपका जो है गेम में है ना, और गेम में गुड को नाप करके जो है आपने उसका एक मूल्य दे दिया आपका जो है कि एक ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग जो है मूल्यांकन कहते हैं, यानी चीज़ों को माप करके उसका कुछ ग्रेडिंग कर देना, कुछ मार्क्स दे देना है ना, उसको कहते हैं क्या मूल्यांकन कहते हैं आपका है ना। कह रहे हैं कि छात्रों की समझ और प्रदर्शन के सुधार के लिए जो है रचनात्मक मूल्यांकन का सबसे शक्तिशाली मूल्यांकन रूप में जो है माना जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि सबसे बेहतरीन और सबसे शक्तिशाली मूल्यांकन कौन सा होता है ना, तो सबसे जो है पावरफुल मूल्यांकन होता है रचनात्मक आकलन। और इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है साइंस का बुक चलाती है ना, क्योंकि साइंस के बुक में क्या होता है ना क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो है चीज़ें ज़्यादा होता है, या फिर कह सकते हो कि बहुत प्रकार के स्कूल में जो है को करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, ताकि अलग अलग जो है दिनों में जो है, या मान लीजिए कहने को हो गया कि राखी कॉम्पिटिशन्स हो गया, मेहंदी कॉम्पिटिशन्स हो गया, तो इन सभी का जो है ना क्लास के अंदर स्कूल के अंदर जो है जो करवाना जो है प्रदर्शन करवाना जो है ये उसके रचनात्मक मूल्यांकन को आता है ना। क्योंकि बच्चे में जब क्रिएटिविटी पैदा होगी तो कहीं ना कहीं वो उसका अंडरस्टैंडिंग भी पैदा होगा आपका जो है ना, और जब क्रिएटिविटी पैदा होने से अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी तो उसका प्रभाव उसके सिलेबस भी पड़ेगा आपका जो है ना, तो उसका ऑटोमेटिक आपका डेवलपमेंट होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पावरफुल जो एक मूल्यांकन होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन आपका होता है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे जो है कि छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए जो है सतत मूल्यांकन सबसे अच्छा मूल्यांकन माना जाता है। अगर ये कह दे कि जो है सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन सा होता है, तो दोस्तों सबसे अच्छा मूल्यांकन होता है सतत मूल्यांकन। अगर पूछे सबसे जो है पावरफुल मूल्यांकन कौन सा होता है, तो होता है रचनात्मक मूल्यांकन होता है। अब समझेंगे इस बात को कि सतत मूल्यांकन का मतलब क्या होता है,
है ना। यहाँ भी वही बात लिखी है, रचनात्मक मूल्यांकन सबसे शक्तिशाली मूल्यांकन होता है और सबसे अच्छा तरीका होता है मूल्यांकन करने का सतत मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी जो मूल्यांकन जो है, जो जो एवोल्यूशन आपका जो है कॉन्टिन्यूअस तरीके से चलते रहता है, उसको कहते हैं सतत मूल्यांकन कहते हैं, है ना। यानी शुरू से ही चलते रहता आपका जो है उसको कहते हैं सतत मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि बच्चे की कमजोरी तुरंत पकड़ ली जाती है, उसको तुरंत डायग्नोस कर लिया जाता है कि बच्चे में कमजोरी है। क्योंकि जब आप जो है सतत मूल्यांकन का सहारा लेंगे जो है, तो हर समय आप एक्टिव रहेंगे कि बच्चों में कहाँ पर कमी आपका जो है ना, और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है आपका जो है, ठीक है। फादर ऑफ एवोल्यूशन किन को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फादर ऑफ एवोल्यूशन जो है मूल्यांकन का पिता जो है, जनक जो है, राल्फ टाइलर को कहा जाता है, राल्फ टाइलर। तो राल्फ टाइलर को जो है फादर ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। चलिए एक लास्ट टॉपिक हमारा है ना, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हमारा जो है, जो CBSE आपका जो है, जो बोर्ड है, उसने पहली बार जो है अपनी शिक्षा में जो है बच्चों की प्रोग्रेस को मापने के लिए जो है एक मूल्यांकन का इस्तेमाल किया था, और उस मूल्यांकन का नाम था CCE आपका जो है, उसको शॉर्ट में क्या कहते थे, CCE। CCE का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में जो है बच्चों में जो है कॉन्टिन्यूअस जो है और एक व्यापक तौर का जो है एक मूल्यांकन को जो है ढांचा बनाया गया आपका जो है, यानी कहने का मतलब कि जो है बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा गया आपका जो है ना। ओवरऑल का मतलब क्या हो गया कि बच्चे से रिलेटेड जितनी भी सारी आपका जो है, बच्चे का कहने का तो अर्थ हो गया एजुकेशनल प्रोग्रेस से लेकर के जो है फिजिकल प्रोग्रेस से लेकर के जो है गेम का जो है, क्रिएटिविटी का जो है कह सकते हैं उसका जो है ना, उसकी जो है स्पीकिंग का, उसकी जो है पर्सनालिटी का जो है, यानी कहने का मतलब कि बच्चे के अंदर जो भी होना चाहिए टोटल को जो है उसने क्या किया, एवोल्यूएट करना स्टार्ट किया आपका जो है ना, उसकी एक एक जो है स्टेप को जो है एवोल्यूएट करने का प्रयास किया आपका जो है, इसलिए इसका नाम पड़ गया जो है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। इसके अंतर्गत जो है बच्चे की, है ना, बच्चे की कह सकते हैं कि जो हर चीज़ को जो है मापा जाता है आपका जो है, कि किस प्रकार से उसके अंदर आपका जो विकास हो रहा है आपका जो है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो निरंतर और नियमित चलने वाली प्रक्रिया आपका जो है, जो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलते रहती है, है ना। ऐसे दोस्तों बताए थे आपको जो है कि जो 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 प्रक्रिया आपका जो है कक्षा शिक्षण के समय चलती है, उसको हम लोग कहते थे आकलन कहते थे, उसको असेसमेंट कहते थे। लेकिन CCE में जो है ना, टीचिंग के साथ साथ जो है लर्निंग के भी प्रोसेस को क्या किया, मापा गया आपका जो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे आपका टीचिंग में जो है हम लोग जो है आकलन करते हैं, लेकिन लर्निंग में क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। लेकिन पहली बार CCE ने जो है टीचिंग और लर्निंग को साथ साथ मिला करके क्या किया, असेसमेंट किया आपका जो है। तो ध्यान रखिएगा, CCE किस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें टीचिंग प्लस लर्निंग को जो है ना, दोनों को साथ साथ में रख करके जो है एक साथ कॉन्ट्रीब्यूस तरीके से जो है ना इवोल्यूशन किया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग जो है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी CCE कहते हैं आपका जो है ना। तो ये एक प्रकार की जो है व्यापक आपका जो है कहने को अर्थ हो गया, जो सतत चलते रहता है आपका जो है ना, उनके बच्चों ने क्या सीखा है ना, सीखने में कहाँ मदद की आवश्यकता है, ये सब सारी चीज़ों को जो है इसमें जो है। ये मेरा टेलीग्राम का जो है चैनल है, आप इस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करके यहाँ से इसका PDF निकाल करके जो है आप प्रिंट आउट करवा कर भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही छोटा PDF आपका जो है।